लाहौल स्पीति जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात हल्की बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद 430 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते सरचू, जिंगजिंगबार और पतसेऊ इलाके में यातायात बाधित हो गया है। सड़क हादसे की आशंका को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने बीआरओ की सूचना पर दारचा से आगे लेह की तरफ यातायात रोक दिया है। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति में पारा सामान्य से लगभग 8 डिग्री नीचे लुढ़क गया है, जिससे पूरा जनजातीय इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया है। सीमा सड़क संगठन के 70 आरसीसी के ओसी मेजर रविशंकर ने बताया कि दारचा से सरचू के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है, लिहाजा इस सामरिक रूट पर फिलहाल यातायात रोक दिया गया है। वहीं बीआरओ की मशीनें से बर्फ हटाने जिला लाहौल स्पीति ने मौसम ने करवट बदल दी है और इस मौसम की पहली बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हम अगर बात करें तो पिछली रात जो है घाटी के ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, वहीं मनाली लेह मार्ग पर 6 से 7 इंच बर्फबारी हुई है। ऐसे में बारालाचा सरचू के आसपास कई वाहन फंस गए हैं। बीआरओ का कहना है कि बर्फ हटाने का क्रम जारी है और इन वाहनों को जल्द निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर चंद्रताल इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अस्थायी चौकी वहां से हटा दी है और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि चंद्रताल का रुख ना करें। दूरदर्शन समाचार के लिए केलंग लाहौल स्पीति से कुंदन शर्मा।